हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। तो हमारे जो कि यहाँ जे को नए वीडियो के साथ, तो फाइनली दोस्तों आपका MPPET का नोटिस जारी कर दिया गया है काउंसलिंग का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्या है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी लगना है। तो पूरी डिटेल में हम बात देखेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंसलिंग एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ OBC के बॉयस और कृषक प्रमाण पत्र वाले जो भी बॉयस हैं उनको BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए 71 यानी 71 नंबर से अधिक, 71 नंबर या इससे अधिक हों तो ही वे काउंसलिंग के एलिजिबल हैं। और BTech एग्रीकल्चर के लिए 62 नंबर इससे अधिक होने चाहिए, ये हमारी OBC बॉयज के लिए। और इसके बाद हमारी OBC फीमेल्स OBC गर्ल्स के लिए BSc एग्रीकल्चर के लिए वो तो समस्त पात्र हैं, और BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए उनके 53 या इससे अधिक होने चाहिए। इसके बाद हमारा जनरल के बॉयस और कृषक प्रमाण पत्र के जो भी बॉयस हैं उनको 71 नंबर या इससे अधिक BSc एग्रीकल्चर के लिए और BTech एग्रीकल्चर के लिए 62 या इससे अधिक होने चाहिए। तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर और BTech दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। इसमें लगभग सभी एलिजिबल हैं, सिर्फ OBC के बॉयस और जनरल के बॉयस को छोड़कर थोड़ा इनका क्राइटेरिया है 71 नंबर इससे अधिक। आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीट मिल ही जाएगी। हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपकी काउंसलिंग की डेट क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, वो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे 27 तारीख यानी 27 दिसंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जो कि 8 जनवरी 2023 तक चलेंगे रात के 12 बजे तक। और फिर देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 28 दिसंबर से 9 जनवरी तक है आपकी। और इसमें एक बात को आपका ध्यान रखना है कि आपको 11 बजे से शाम के 5 बजे तक जाना है, और शनिवार और रविवार दो दिन छोड़कर ही आपको जाना है, क्योंकि इस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, वरना आप शनिवार रविवार को चले जाओ और वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो। इसलिए आपको ध्यान से बात याद ही रखनी है कि आपको 11 से 5 बजे के बीच में जाना है और शनिवार रविवार को नहीं आना है। और आपको लास्ट डेट के लिए नहीं देखना कि हम बाद में जाएंगे, आपको जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट अपनी वेरिफिकेशन करवा लेना है, वरना कुछ बाद में रह जाते बहुत से बच्चे। अलॉटमेंट लेटर है वो आपके 11 जनवरी से 16 तक आ जाएंगे। और काउंसलिंग शुल्क यानी कि जो आपकी सीट लॉक की प्रोसेस है, वो सीट लॉक करने जाती है 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं, तो भी आपको 11 से 16 तक है। और जो बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें आपको जाना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर आपको जो भी आपकी फ़ीस रह गई वो आपको जमा करनी पड़ती है। यानी एडमिशन प्रोसेस चलती है तो उसकी आपकी 17 से 20 जनवरी तक उसकी डेट है कि आपको 17 से 20 के अंदर ही आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ पर आपको एडमिशन आपको प्रोसेस जो आपकी वो कंप्लीट करानी होगी। तो ये हो गई हमारी काउंसलिंग की डेट। तो चलिए अब देखते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होने वाली है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस। तो फर्स्ट आपको करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, देन आपका रजिस्ट्रेशन 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग आप जो करते हैं तो उसमें आप चेंजेस करने चाहें, तो आप जब चॉइस फिलिंग करते हैं उसकी फ़ी पे करने के पहले ही आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने फ़ी पे कर दी तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए आप जो भी चॉइस फिलिंग करें एक बार घर पर अच्छे से देख कर एक कॉफ़ी पेन में आप लिख कर ले जाएं, तो उससे आपको सही रहेगा, वरना आपका गलत हो जाएगा तो बहुत बाद में दिक्कत होती है अलॉटमेंट में। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आ गया तीसरा, चौथा हमारा हो गया अलॉटमेंट, एंड पार्ट में हमारा ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। के बाद हमारा हो गया आवंटित संस्थान में उपस्थित एवं प्रवेश यानी कि आपको कॉलेज जाना होगा। यहाँ पर आपकी
छः चरणों में काउंसलिंग होगी, यानी कि 6 स्टेप होती हैं आपकी काउंसलिंग की, तो आपको देख लिया। देन आप इसको रेडी भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन पंजीयन इसकी कुछ दी गई हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ होगा तो आपको पता ही होगा कि www.rvskv की ऑफिशियल वेबसाइट इस पर होता है, JNKV की वेबसाइट पर और क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर, यानी कि आपकी तीनों वेबसाइट हैं जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस हैं, वो आप इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अभ्यर्थी को शुल्क 550 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपको 550 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आपको 550 रुपये पे करनी पड़ेंगे, तो ये नॉन रिफंडेबल है यानी आपको रिटर्न नहीं होंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभ्यर्थियों को सभी उपलब्ध विद्यालय पाठ्यक्रमों का प्राथमिक रूप से ऑनलाइन चयन करना होगा तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व शुल्क का भुगतान चॉइस लॉक करना होगा, यानी कि जो आपकी डेट आई है रजिस्ट्रेशन की आपके और जो आपकी एंड डेट उसकी पहले ही आपको लॉक करनी होगी, और जब आप चॉइस लॉक करते हैं यानी फी पहले कर दी तो आपकी लॉक हो जाती है। देन उसके पहले आप चाहें तो आप कर सकते हैं चेंज चॉइस फिलिंग में, वरना अगर आपने फी कर दी यानी आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या आप देख सकते हैं या आप यहाँ पर कौन से कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके यहाँ पर PAT का जो रिजल्ट आया है वो रहेगा, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि आपके पास आपके पिताजी का हो तो वो भी चल जाएगा, और डोमिसियल सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप MP के हैं तो आपको डोमिसियल सर्टिफिकेट लगेगा, और कैसे प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो तो लगेगा, गैप यदि आपने गैप किया हो तो आपको गैप लगेगा, और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, सभी डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे। तो आप देखने वाले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप किन किन कॉलेज और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, तो आप है ग्वालियर, अब यदि आपके पास ग्वालियर है आप ग्वालियर जा सकते हैं, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज, बांसवाड़ा, बारासिवनी, वारखेड़ा या फिर मंदसौर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र सागर एवं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा या जबलपुर, इन सब में से जो भी आपके सबसे पास में है आप वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं आपको कि आपको ग्वालियर ही जाना, आपको इंदौर ही जाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब कहाँ जाना। तो ये कुछ है महाविद्यालय यानी कॉलेजों के, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी आपका चौथा पॉइंट है आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट, ये आपका अलॉटमेंट होगा PAT के प्राप्त अंकों में विद्यार्थियों द्वारा, इसको आप रीड कर सकते हैं। यानी पांचवा आपका काउंसलिंग शुल्क का भुगतान हो गया जो कि 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद एक पावती, यानी कि जो आपको 5000 रुपये आपकी सीट लॉक करने की जो आपको पे करते हैं आपको उसकी एक रिसिप्ट मिलती है। यहाँ पर आपको मेंशन भी किया गया है कि अभ्यर्थी इस पावती रिसिप्ट को संभाल कर अपने पास रखें आवंटित संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए। यदि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए इसको संभाल कर रखें, इसको घुमाना नहीं है। 10th यानी कि जो लास्ट हमारे अपग्रेडेशन का विकल्प है, इसकी अपग्रेडेशन का विकल्प प्रेस प्रक्रिया के प्रथम चक्र में ही होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही आप अपग्रेड करा सकते हैं, सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। यानी कि जो फर्स्ट में मिला आपको कॉलेज, देन अगर अपग्रेडेशन आप कराते हैं तो सेकंड राउंड में आपको उसके ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा, ना कि आपको नीचे वाला। तो अपग्रेडेशन में हमेशा आपको जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसमें आप जो भी आपको कॉलेज मिला उसके ऊपर वाली ही मिलती, कभी नीचे वाले नहीं मिलते, इसलिए आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी किसी न्यू अपडेट के साथ।